भाई मैं सो ही रहा था कि तब मेरा फोन आता है कि तुम्हारी गाड़ी डिलीवरी के लिए अवेलेबल। मतलब सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, पूछो मत यार। बस फिर तुरंत मैं नहाया धोया तेजी के साथ और बस तैयार हुआ, फोन मारा पंडित जी को। तो पंडित जी ने कहा कि भाई स्कोर में निकाल लेते हैं, लेने चलते हैं गाड़ी। मैंने कहा नहीं 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 हम चलेंगे ऑटो में। तो यहाँ से पकड़ा हमने ऑटो, ऑटो वाले भैया ने कहा कि भाई वीडियोस मत बनाओ। प्राइवेसी की कदर की गई और हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन में जाके हमने कराई सफाई वफाई अपने कार की, थोड़ी बहुत जो सफाई थी वो कराई, स्क्रैचेस चेक की, वही चेक करते हैं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है यार। मैं कल आकर पहले ही सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, कागज़ी कार्रवाई पूरी कर चुका था। अब बारी आ चुकी थी केक काटने की। सब भाइयों ने मिलकर हमने केक काटा और जो पर्दा तो हमारा ऑटोमेटिक गया है, इनके पास ऑटोमेटिक मशीन थी तो ऑटोमेटिक तरीके से पर्दा चला गया है। तो यहाँ से केक खाना भी ज़रूरी था, इतनी मेहनत से केक दिया यार टाटा मोटर्स वालों ने, इसके लिए थैंक यू यार, दिल से थैंक यू कि केक दिया। गाने ही बजा रखे थे यार इन्होंने तो, लेकिन वो डाल नहीं सकते ना, पहली वीडियो भाई की, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो बस फिर कुछ शॉर्ट्स लिए हमने और इसको निकाल के एक बार चक्कर काट गए कि मतलब नई गाड़ी यार देखना तो बनता ही है। फिर यहाँ से सब कुछ ख़त्म करने के बाद हमें निकलना था बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि यहाँ से हमें अपने को जाना था करोलबाग बस। तो जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करे और करोलबाग निकले, एक्साइटेड थे यार हलवे डलवाने हैं अपन ने। तो बस यहाँ से सीधे निकले हम करोलबाग की तरफ। करोलबाग जाते हुए पड़ा ये बेहतरीन सा व्यू, मतलब देख के आदमी ऐसा खुश हो जाए ना इस व्यू को, ओ हो क्या व्यू है यार, मतलब दिल्ली में ऐसा व्यू मिल जाए और क्या चाहिए किसी को। फिर यहाँ से घुसे हम सीधे अटल टनल में, यह दिल्ली की अटल टनल, जो मुझे भी मतलब कल ही पता लगी कि ये भाई अटल टनल है हमारी दिल्ली के अंदर भी। लेकिन यार शानदार, खूबसूरत, मेरे पास शब्द नहीं है भाई बताने के लिए कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये, मतलब इसको देखना तो एक बार बनता ही है। तो बस हमने इंजॉय किया इस खूबसूरत सी टनल को, और इसको पार करने के बाद हम निकले करोल बाग में। यहाँ मिले हमें अंकल जी, उनसे की हमने बातें। आज पूरा मंजर कर लाए तो नहीं है अंकल जी भी है? स्कूटी तो नहीं लाए हैं? हां हो गए साल भर हो रखे। अच्छा कालरा से लाए हो? कालरा जी से लाए हो? कालरा जी से? कालरा से? कालरा से यार, रिश्तेदारी है उनसे, नाम ले लेना, उधार दे देना मैं, हमारे पास में ही है। अच्छा जा चले फिर, मजाक चले चाय बनवा ली, मजाक सट के जा कर रहे हो? बस फिर ट्रैफिक क्लियर हुआ और हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पर हलवे डलवाने। तो भैया से बातचीत की, भैया चाइनीज पेलना चाह रहे थे हमें, तो पहले तो वो मना किया कि भाई चाइनीज नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं तैर की। क्यों ये तो यार करते बल्ली, कोई 18 इंच से 18 का ले तो कोई टायर की गारंटी नहीं आती करते में से। अच्छा आप योका वाले लो, मिचले ले लो, ब्रिस्टोल लो, तब भी सीट में भी नहीं है। सीट में आएगी 2 45 45 18 वो टच करेगी गाड़ी, बुश लगवानी पड़ेगी। सब बातचीत करने के बाद हमने पहले डिसाइड किया कि पहले 17 इंच भी देख लेते हैं और 18 इंच भी देख लेते हैं। देखकर फैसला होगा कि यार 18 में जो है ये एक एक्सटर्नल चीज लगा रहे थे, उसके बाद ही 18 लग सकते थे अपनी नेक्सॉन में, 17 इंच तो इजीली लग ही जाते। तो बस यहाँ से निकले, पहले एलोए देखे हमने, सारे एलोए देखने के बाद, एलोए देखने के बाद हमने डिसाइड किए दो, एक 17 इंच का एक 18 इंच का, कि पहले लगवा के देख लेते हैं गाड़ी में लग कैसे रहे हैं। तो भैया से बोला हमने कि यार दोनों लगवा दो, तो भैया ने बाहर गाड़ी में अपनी लगवा दी 18 इंच भी 17 इंच भी, जो पीछे वाला ये 18 इंच था अपना और आगे वाला 17 इंच था। तो यहाँ पहले चेक किया हमने, फिर भैया से बातचीत की, 18 में दिक्कत तो नहीं आई कोई भाई, जबरदस्ती के साथ में ऑप्शन नहीं मिल रहा है टाटा वालों को, इसलिए वो मेरी सुनो पहले। हाँ जी, इसमें टायर की जो ग्रिप है मोटी हो जाएगी ना, फिर गाड़ी उठवानी पड़ेगी पीछे से। नहीं उठवानी नहीं है, इसी में ही हो जाएगी मोटी, इसी में हो जाएगी वो तो दूसरा नहीं आएगी, काम हो करके देंगे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मैं दिल्ली वाला था, मैं तो 15-20 का आदमी, मैं वो वाला काम करके दे रहा हूँ कि कहीं भी रफन ठप चलाओ कुछ नहीं करे। ये जो है गड्ढा देख लो, चार कोस दूर से, मैं साले घुसने के बाद पता लगा कि गड्ढे में गिरी गाड़ी। एक बार जैक उतर वाला, बस फिर बातें पसंद की और ये एलॉय चूज कर लिया हमने। अब भैया ने बोला कि थोड़ी बहुत देर में गोडाउन से आ जाएंगे इनके और ये लगा देंगे। तो इससे हमने सोचा कि रील्स ही बना लेते हैं, रील्स के कुछ शॉट्स हैं उनको शूट कर लेते हैं। तो बस इनके पास जो एलॉय था, एक एलॉय था, उसके साथ हमने शूट्स कर लिए, कुछ अपने रील्स के शॉर्ट्स की रील्स बना ही लेंगे।
अपने रील वील सब बन चुकी थी लेकिन एलोए नहीं आ रहे थे यार। तो हमने सोचा यार और काम करा लेते हैं, टिंट कराने थे शीशे, तो नीचे चले गए एक भैया को ढूंढने, उनको पकड़ के लाए टिंट कराने के लिए। तो काम तो काफ़ी अच्छा करा है भैया ने, लेकिन बस एक ही काम गलत कर दिया। जब ये पीछे वाला शीशा जो है उस पर फिल्म चढ़ा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक स्टिकर निकाल दिया है। स्टिकर था वो लोकल फॉर वोकल वाला जो स्टिकर आता है, ये वाला जो इन्होंने निकाल दिया। बड़ा दुख सा हुआ यार, मतलब मैं आज भी देखता हूँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं ना, तो एक दो दो साल हो गए लोगों को चलाते हुए, लेकिन ये स्टिकर है, लेकिन इन्होंने निकाल दिया। बड़ा दुख सा हुआ, लेकिन चले कोई नहीं, इसके बाद हंस भी रहे थे। फिर उसके बाद एलोए आए, वो गए टायर्स के साथ लगने के लिए, उनको अंदर भेज दिया। उससे पहले पेंट वेंट हो रहा था इनके ऊपर, तो पेंट किया। अब इसमें इसको भी सूखने का टाइम लगना था। मतलब यार मैं तो ये कहूँगा, अगर तुम आ रहे हो एलोए डलवाने, तो सोच के आना कि भाई 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए यार तुम्हारे, हमारा तो ज़्यादा ही वक्त लग गया। खैर बस फिर सारा काम होने के बाद एलोए आए और लगने शुरू हुए, तो बस तसल्ली सी मिली यार कि एलोए लगने तो शुरू हुए। तो जब एलोए लगा रहा था, तो हमारे साथ पंडित जी गए थे, तो उनका क्यों ना यूज़ किया जाए प्रॉपर। तो पंडित जी हमारे एक्सपीरियंस आदमी है, तो उनको भेजा कि यार चेक करो, इंस्पेक्शन करो कि कहीं दिक्कत तो नहीं कर रहे एलोए में, कहीं अड़ तो नहीं रहे। तो सब कुछ करने के बाद जब सब कुछ हमें लगा कि ठीक है, तो बस फिर हम फिर गाड़ी निकाली गई और इसको चेक किया गया कि टायर्स कहीं लग तो नहीं रहे या कुछ नहीं। फिर 2-4 शॉट्स लिए, ये शॉट्स लेते हैं मतलब तुम्हारे जिसने एलोए लगाए, ये रील फील्स बनाते हैं, रील फील्स बनाई इन्होंने, हमने भी शॉट्स ले लिए ही, 2-4 रील्स बनाई अपने एलोए की, डालते होंगे पीच पे आ रही भी अपने। तो हमने कहा ठीक है यार, दिलदार आदमी हम, क्या बनाओ यार तुम बनाओ आराम से। तो इन्होंने रील्स बनाई अपनी, फिर उसके बाद कुछ रील्स हमने अपनी बनाई, फिर उसके बाद क्या हमने पेमेंट करने के बाद सोचा यार कि एक रील और बना दी जाएगी, ये वाली रील फिर हमने खुद बनाई। इस रील को हम सीधे डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर, कॉपीराइट क्लेम ही तो आएगा, झेल लेंगे झटका। बस फिर यार हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटीरियर कराते हैं तब। धन्यवाद।